स्थानीय नवापारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदोराम वर्मा के निर्देश पर बुधवार से नगर में विभिन्न गली मोहल्लों व वार्डों में जा जाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील करते दिखे। इस कड़ी में सभी कार्यकर्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ शर्मा के नेतृत्व में नगर वार्ड क्रमांक 21 सीतलापारा पहुंचे और वार्ड के मुख्य चौक चौराहों में जा जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के फायदे बताते हुए इसे जरूर लगाने का निवेदन किया। इस पूरे आयोजन में कार्यकर्ता कोविड के नियमों का पालन करते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान नवापारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ शर्मा, उपाध्यक्ष निर्माण यादव, महामंत्री राजा चावला, पार्षद व सभापति अजय साहू, पार्षद प्रतिनिधि फागुराम देवांगन, अर्जुन साहू, युवा नेता राकेश सोनकर, बल्लू साहू, अजय गाड़ा, कान्हा गिलहरे, गौतम निषाद, बिसाहू राम साहू, ताराचंद साहू सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजीम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ नवापारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी हैं, जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार वार्डों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी सौरभ जी, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, किस तरह से काम कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, हमारी भूपेश बघेल की सरकार, यह लगातार प्रयासरत है कि सभी नागरिकगण वैक्सीनेशन कराएं। कोरोना से इस जंग में लड़ने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है और इस उपाय को, उनके इस सोच को धरातल में लाने के लिए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भी हम सब संगठन के लोग इसमें भिड़े हुए हैं। हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सब टीकाकरण कराएं, कोरोना से लड़ने में मदद करें। कोरोना के जंग में एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे एपीएल कार्डधारी भाई तो वहाँ टीकाकरण में पहुँच रहे हैं, लेकिन हमारे अंत्योदय और हमारे बीपीएल कार्डधारी, हमारे युवा साथी जो हैं, वो तो कम संख्या में टीकाकरण केंद्र में पहुँच रहे हैं। इसलिए हम उन्हें एक एक बूथ में, एक एक मोहल्ले में, गली में जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि वो टीकाकरण में आगे आएं और कोरोना से इस जंग में एक दूसरे का साथ दें,